नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे देहरादून स्मार्ट सिटी वर्सेस श्रीनगर स्मार्ट सिटी के बारे में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन को लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारत में रहने वाले लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। देहरादून और श्रीनगर दोनों भारत के उन शहरों में से हैं जो स्मार्ट सिटी मिशन का हिस्सा थे। स्मार्ट सिटी का मतलब है एक सरकारी पहल जिसका उद्देश्य मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर सर्विसेज और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ वाले शहरों को विकसित करना है। देहरादून भारतीय राज्य उत्तराखंड की विंटर कैपिटल है जो हिमालय की तलहटी में स्थित है। यह अपने सुरम्य परिदृश्य और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। वही बात अगर श्रीनगर की करें तो श्रीनगर भारत प्रशासित यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर की समर कैपिटल है। यह अपनी शानदार डल झील, हाउस बोट और रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है। देहरादून 2017 में स्मार्ट सिटी योजना का हिस्सा बन गया था। परियोजना के सेकेंड फेज की डेडलाइन जून 2023 थी, जिसे अब 2024 तक बढ़ा दिया गया है। वहीं श्रीनगर स्मार्ट सिटी की बात करें तो मंत्रालय ने मई में इस मिशन की डेडलाइन इस साल जून से बढ़ाकर 30 जून 2024 तक कर दी, जहां 72% प्रोजेक्ट पूरी हो चुकी है। देहरादून में स्मार्ट सिटी का उद्देश्य शहर को एक आधुनिक और टिकाऊ शहरी केंद्र में बदलना है। देहरादून की स्मार्ट सिटी योजना में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, सफाई पर केंद्रित कई पहल शामिल है। इसमें स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रणालियों का विकास, वेस्ट मैनेजमेंट सोल्यूशन और ग्रीन स्पेसेस को बढ़ाना शामिल है। इसके तहत आबादी की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए सड़कों, पुलों और यूटिलिटी सहित शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। जबकि श्रीनगर की स्मार्ट सिटी योजना शहर के सामने आने वाले स्पेसिफिक चैलेंजेस जैसे यातायात की भीड़, शहरी बाढ़ और इसकी कल्चरल हेरिटेज को रिजर्व करने पर केंद्रित है। पहल में स्मार्ट सिटी ट्रांसपोर्टेशन सोल्यूशन, टूरिस्ट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम शामिल है। देहरादून एक लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेस है और इसकी स्मार्ट सिटी पहल का उद्देश्य शहर के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेरिटेज कंजर्वेशन और होलिस्टिक टूरिस्ट एक्सपीरियंस को बढ़ाकर पर्यटन को बूस्ट देना है। यहाँ यातायात की भीड़ को कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाने के लिए स्मार्ट बसें, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और पैदल यात्री अनुकूल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत की गई है। इस पूरे प्रोजेक्ट में सबसे पहले पूरे शहर में स्मार्ट टॉयलेट बनाए जाएंगे। दूसरा, शहर में सभी सीवेज लाइन को रिप्लेस किया जाएगा, कुछ नई सीवेज लाइन को भी इसमें जोड़ा जा सकता है। तीसरा, अब शहर के सरकारी स्कूलों को भी स्मार्ट स्कूल बनाया जाएगा। साथ में शहर को स्मार्ट वाटर सप्लाई, स्मार्ट वाटर एटीएम, सोलर एनर्जी सोल्यूशन पर भी काम किया जाएगा। साथ ही शहर भर में अलग अलग जगह पर स्मार्ट साइकिल भी रखे जाएंगी, जिसको हम अपनी आईडी देकर और छोटा मोटा किराया देकर ले सकते हैं, जिससे सिटी को ट्रैफिक जैम और पॉल्यूशन दोनों से राहत मिलेगी। साथ ही शहर की मुख्य सड़कों को स्मार्ट रोड की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा, जिसमें स्मार्ट पार्किंग, प्रॉपर फुटपाथ और ग्रीन बैंड लगाई जाएगी। साथ ही सिटी के अंदर जो मेन रोड्स हैं, वहां से टेलीकॉम वायर या बिजली की तारों को अंडरग्राउंड किया जाएगा, जिससे शहर साफ सुथरा लगे। साथ ही स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ 8 मंजिला इमारत का निर्माण किया जाएगा। बाजार में भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक की एंट्री को बंद किया जाएगा और लोगों के पैदल चलने की अच्छी सुंदर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। वही बात अगर श्रीनगर स्मार्ट सिटी की करें तो पर्यटन श्रीनगर की इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और स्मार्ट सिटी पहल परियोजनाओं का उद्देश्य पर्यटकों के एक्सपीरियंस को बढ़ाना, उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना और शहर की अद्वितीय सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को रिजर्व करना है। पूरे शहर में ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करने के साथ ही पैदल चलने लायक भी बनाया जाएगा। शहर में 100 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। हाल में यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का G20 सम्मेलन आयोजित हुआ है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत वाटर ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिक ऑपरेटर बस सर्विस के अलावा पैदल यात्रियों के लिए 80 किलोमीटर लंबा पार्क डेवलप किया जाएगा। करीब 56 प्रोजेक्ट का काम पूरा किया जा चुका है। साल के अंत तक ज्यादातर प्रोजेक्ट पर काम पूरा कर लिया जाएगा, फिर सिर्फ 16 प्रोजेक्ट पर काम बाकी रह जाएगा, जो कि अगले साल जून 2024 की डेडलाइन तक पूरा कर लिया जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्यूटिफिकेशन के कुल 125 प्रोजेक्ट पर यहाँ काम हो रहा है। साथ ही शहर के ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का नए सिरे से रेजुविनेशन किया गया है। अब लाल चौक का घंटाघर भी यहाँ नए लुक में दिखाई देगा। घंटाघर की ऊंचाई भी पहले के मुकाबले अधिक होगी। इस घंटाघर की बनावट भी कश्मीरी निर्माण शैली के अनुसार की जाएगी। अमूमन पोलो व्यू मार्केट पहले ट्रैफिक जाम और बारिश के दिनों में जाम से जूझता था, लेकिन अब ड्रेनेज सिस्टम के साथ ही दोनों तरफ की रोड को वाहन मुक्त करके चलने लायक बनाया जाएगा। पूरी स्ट्रीट पर जगह जगह बैठने के लिए बेंच भी रखी गई है। इस पूरे इलाके के फुटपाथ को इस तरीके से बनाया जा रहा है ताकि पैदल चलने वालों के साथ ही साइकिल सवारों को भी दिक्कत ना हो। डल लेक और झेलम रिवर फ्रंट पर भी जगह जगह साइकिल स्टेशन बनाए गए हैं, जिन्हें ऐप के जरिए से इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ जगहों पर ई साइकिल की भी व्यवस्था की गई है। झेलम नदी के दोनों तरफ ही श्रीनगर शहर बसा हुआ है और यहाँ के जीवन का मुख्य अंग है। रिवर फ्रंट पर खूबसूरत लाइटिंग के साथ ही जगह जगह मॉडर्न कलाकृतियां भी लगाई गई है। जगह जगह पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। यहाँ करीब 1.8 किलोमीटर का काम पूरा किया जा चुका है और बाकी में भी काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट का काम अगले साल जून माह तक पूरा कर
कर लिया जाएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। ऐसी ही एक्साइटिंग वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।